हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो जैसा कि हम इस बुक पे डिस्कस कर रहे हैं, रविंद्र सिंह की बुक है योर ड्रीम्स आर माइन नाउ। 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा पहले वो देख लो आप, तब आपको ये समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा था जो 3 था, कि उसमें वो लोग आके उनका म्यूज़िक सारा सेटअप बेकार कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वो लोग सब सोच रहे होते हैं कि थे कौन। तभी जो टेंजिंग होता है वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है उसी दिन शाम को, कि शाम को सब इकट्ठे होते हैं, फर्स्ट ईयर जूनियर्स वाले जो भी ऑडिशन के लिए आए थे वो लोग, उनका पूरा म्यूज़िक ग्रुप। फिर वो शाफ़ी की दुकान पे इकट्ठे होते हैं। अब शाफ़ी कौन होता है, शाफ़ी उनके कॉलेज के बाहर एक शॉप होती है जो कि टी के लिए बहुत फेमस होती है, मतलब वहाँ लोग चाय पीने बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, वो चाय बहुत अच्छी बनाता है और अपने सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताता। जस्ट लाइक वो कहता है, कुछ से पूछता भी कि कैसे अच्छी चाय बनाते हो, कहता है ये मेरा सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब उसने बगल में बनियन ट्री होता है, तो उसमें कई सारे मतलब चेयर वगैरह उन्हें डाल दी होती है ताकि लोग आके यहाँ बैठ के हैंग आउट करें, और उन्हीं के कॉलेज के नहीं, दूसरे कॉलेज के दूर दूर से बच्चे भी वहाँ आके बैठ के हैंग आउट करते हैं। अब तभी क्या होता है, तेंजिंग शुरू करता है। तेंजिंग कहता है, देखो भाई जो लोग आए थे आज, तेंजिंग बताना शुरू करता है कि जो लोग आज आए थे वो लोग हमारे राइवल हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था, तेंजिंग फिर स्टोरी बताता है पिछले साल की, कि लास्ट टाइम जब हमने एक म्यूज़िक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराया, ठीक है। म्यूज़िक क्लब ने साफ साफ कह दिया था कि इसमें कुछ भी मतलब पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, हम लोग पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि फुल्ली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ठीक है। उनको सिर्फ इतना कहा गया, आप ऑर्गेनाइज़ करा दो एंड दैट्स इट। अब क्या हुआ, म्यूज़िक क्लब वाले ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा, सब लोग खुश हो गए, और उनकी इमेज बहुत क्लीन थी बिकॉज दे डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो क्या हुआ, उन्होंने लास्ट तक उनकी टीम को ये नहीं बताया था कि हम करने के जा रहे हैं, और उन्होंने लास्ट में आके अनाउंस कर दिया कि भाई आप लोग हमें वोट दो सो दैट हम लोग आपकी आवाज़ उठा सकें, और कॉलेज की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम सब उसको सब सही कर सकें। अब होता क्या है, क्राउड भी खुश हो जाती है कि भाई ये लोग, इनकी इमेज अच्छी है और ये सही क्या, तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हम तो वोट देंगे ना, थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल बन जाता है। अब जब इनको ये पता चलती है, बैंड वालों को, इनके पूरे म्यूज़िक ग्रुप को, ये लोग अगले दिन एक वो करते हैं रिलीज, मतलब प्रेस रिलीज टाइप का करते हैं कि भाई हमारा उस किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं है, ठीक है, हम बिल्कुल अलग हैं और हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑलरेडी जो काम होना था वो तो हो चुका, जो लोग रूलिंग पार्टी में होते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। और जिन्होंने म्यूज़िक ऑर्गेनाइज कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराया गया होता है वो इवेंट, और क्योंकि भाई अब इन्होंने अपना प्रेस रिलीज तो दे दिया, बता दिया लोगों को, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं हुआ, लोगों को लगा कि हाँ भाई उनको जिता दिया। अब जब वो लोग जीत गए तो भाई उनको तो मज़े आ गए, और जो इनकी जो हारे वो उनसे उनकी दुश्मनी हो गई, तो दोनों तरफ से ये फंस गए, ठीक है। अब होता क्या है, ये सब चल ही रहा होता है, अब भाई दिक्कत है इनके लिए, तो एक लड़का बोलता है कि मतलब हम कंप्लेन नहीं कर सकते क्या डिपार्टमेंट में, या फिर हम कॉलेज में कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया तो, और ये हमारा कुछ भी कर देंगे आके। तो फिर उसको बताता है कि तेंजिंग कहता है कि ये उनका फॉल्ट नहीं है, ठीक है, ये फॉल्ट हमारा ही है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आपको क्लासरूम में कोई करना होता है म्यूज़िक के, मतलब प्रैक्टिस करनी होती है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और हमने परमिशन नहीं ली तो ये हमारा ही फॉल्ट है। और जो हमारा म्यूज़िक के लिए अलग से रूम दिया गया है वहाँ पे वोल्टेज का काफ़ी इशू है, जिसकी वजह से हमारे कई बार अडेप्टर और ये सब चीज़ें फूक गई, ठीक है, गिटार वगैरह, तो इसलिए हम लोग यूज़ नहीं, वहाँ जाते नहीं। हमने बहुत बार कोशिश करी, रिपोर्ट करा, ठीक है, मैनेजमेंट को कि उसको संभलवा दीजिए, सही कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अब गलती इनकी, टेंजिंग इसलिए परेशान होता है कि हमने परमिशन नहीं ली तो हमें पता था, लेकिन उन्हें कैसे पता चला। फिर उधर से शीतल बोलती है, अरे कोई बात नहीं, कोई ना यार, चल कोई ना यार, होता है, जस्ट लीव इट। अब सब लोग शांत होते हैं, ठीक है, शांति का माहौल होता है, अब कोई दिक्कत नहीं, सब ख़त्म। उसके बाद क्या होता है, जो रूपाली होती है, तो रूपाली बोलती है कि भाई जो रूलिंग पार्टी, हम रूलिंग पार्टी की हेल्प क्यों नहीं ले सकते, जो इस वक्त मतलब पावर में आई है, जो हमारी वजह से जीत गई लास्ट टाइम, हम उससे हेल्प क्यों नहीं ले सकते। तो शीतल कहती है, हम उससे हेल्प इसलिए नहीं ले सकते, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे है, ठीक है। तो शीतल कहती है कि हम उससे हेल्प इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब हमने अपना क्लैरिफिकेशन दिया था, तो हमने ये कहा था कि भाई हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, और वो हार गए थे, मतलब वो जीत गए थे, ठीक है। अब अगर हम उनके पास दोबारा से जाएंगे तो उन्हें सबको ये लगेगा कि भाई ये तो पॉलिटिकल मोटिवेशन स्टंट था, पॉलिटिकल स्टंट था कि भाई पहले ऑर्गेनाइज कराएंगे, फिर कह दें वो वोट मांग लेंगे, हम यहाँ से कंडेम कर देंगे, और फिर ये सब पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा, तो इसलिए हम किसी की हेल्प नहीं ले सकते, हम इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते। अब कोई बात नहीं, वो टेंजिंग कहता है फिर छोड़ो ये सब, अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक मैं परमिशन वगैरह सब तैयार रखूँगा, परमिशन ले लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे।
अब ये सब चल ही रहा होता तभी तेंजिंग सबके लिए समोसे वगैरह चाय वगैरह मंगा देता है कि दोबारा से चाय पी जाए। चाय वाय आती है, सब लोग बात बात करते हैं, चाय वाय पीते हैं। इसी बीच हरप्रीत और ये लोग, हरप्रीत शीतल, पुरानी बातें बताना शुरू करते हैं कि एक बार क्या होता है, पूरा पिछले साल की बात है, एक बार एक इवेंट में तेंजिंग गाना गा रहा होता है और गाना गाते वक्त कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग गाता है ना, देशभक्ति गाना गा रहा होता है माइक पे, और गाना गाते वक्त उसके जो माइक होता है उस पर करंट लग जाता है तेंजिंग को, और वो गाना गाते गाते ओ भैनचोद बोल देता है। अब उसने ये बोल दिया होता है, क्राउड बहुत चीयर करता है, वंस मोर वंस मोर। तो ये सब सुन के सब हंसते हैं, सब खुश होते हैं, मूड लाइट हो जाता है। लेकिन रूपाली बहुत ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन शीतल बगल में होती है तो उसको थोड़ा मतलब ठीक लगता है कि भाई एक लड़की और है तो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, सब लोग बात कर ही रहे होते हैं, सब रिलैक्स होते हैं, तभी रूपाली ये सोचती है, रूपाली के दिमाग में कुछ और ख्याल चल रहा होता है। उसने वो सोच रही होती है कि जो लड़का जब वेंडलाइज हो रहा था सब कुछ क्लासरूम में, जो लड़का वहाँ गेट पे खड़ा था हाथ फोल्ड करके अपनी चेस्ट पे, वो लड़का के बारे में सोचती है वो, उसने कहीं उसको देखा था। वो रिमाइंड करती है कि कहाँ देखा था कहाँ देखा, तब उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने उससे पहले उसको हॉस्टल के बाहर लॉन में इंक्वायरी की होती है उसकी, भाई तुम कहाँ से हो, कौन हो, ठीक है, हम ये वगैरह, ये वही लड़का था और ये इससे मिल चुकी है बीएड वाले लड़के से। तब वो ये रियलाइज़ करती है, अच्छा ये तो वही लड़का है। तो वो ये सोच ही रही होती है और बस यहाँ चैप्टर 4 ख़त्म हो जाता है। होप सो ये अच्छा लगा हो और आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट्स फॉर श्योर। तो स्टे कनेक्टेड एंड गॉड ब्लेस यू।